बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला से इस दुआ और उम्मीद के साथ कि सब लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हैं अपने चैनल शमसी वर्ल्ड में एक और नई रेसिपी के साथ। दोस्तों से माजरत, काफ़ी अरसे से वीडियो नहीं बना सके, कुछ जॉब की मसरूफियत थी और कुछ अपना लेजीपन था, तो जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन सके। अब पक्का वादा है कि रेगुलर वीडियो आती रहेगी हर हफ्ते इंशाल्लाह। तो आज जो है वो सिलसिला दोबारा जोड़ रहे हैं वीडियोस बनाने का। तो पहली रेसिपी जो मैं बना रहा हूँ वो क्रिस्पी फ्राइड फिश है। सीजन तो शुरू हो चुका है ऑलरेडी फिश का, हम थोड़े से लेट हो गए हैं, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो फिश से ही शुरू करते हैं। वैसे तो चूंकि सीजन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हम काफी दफा खा चुके हैं फिश, लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि चले आप दोस्तों के लिए भी वीडियो बनाते हैं ताकि आप भी मेरी रेसिपी को एंजॉय करें और उससे फिश बना के खाएं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले दोस्तों वही गुजारिश जो हमेशा करता हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी करनी है उसकी, कि हमेशा जो रिक्वेस्ट की जाती है चैनल सब्सक्राइब करने की, तो उसकी कुछ रीजन है। मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। तो इसलिए सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को प्रमोट करने में मेरी हेल्प कीजिए और अपने दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, तो बनाते हैं मजेदार फिश जी। तो दोस्तों ये मेरे पास 2 किलो फिश है, इसको मैंने धो लिया अच्छी तरह से, और ये सबसे मजे की बात ये है कि जी ये ट्राउट फिश है। जो दोस्त पाकिस्तान से हैं उनको पता है कि ट्राउट फिश पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज में मिलती है, हमारे इलाके में मिलती नहीं है। तो यहाँ पे भी ये इस दफा हमें अवेलेबल हो गई है, तो मैंने सोचा कि चलें ट्राउट फिश की जो है वो रेसिपी बनाते हैं। तो ये तकरीबन 2 किलो फिश है, और उसके अलावा जो है ये तकरीबन 8 से 10 सब्ज मिर्चें हैं, 8 से 10 जवे लहसुन के हैं, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ जीरा है, और तकरीबन 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, और 1.5 टेबल स्पून नमक है, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। तो सबसे पहले हमने पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पानी, और ये बेसन है जी मेरे पास, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून बेसन डलेगा इसमें। हमने इस फिश को सिर्फ मैरिनेट करना है, हमने कोटिंग नहीं करनी इसके ऊपर, ठीक है जी? तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा पेस्ट बना लेते हैं अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च का, और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं लाल मिर्चें यूज़ नहीं करता, तो इसलिए सब्ज मिर्च ही यूज़ कर रहा हूँ। और आप लोग जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें अगर आप चाहें तो आप लाल मिर्च डाल सकते हैं पाउडर, नहीं चाहें तो ना डालें, और नमक भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है जी? तो सबसे पहले हम पेस्ट बना लेंगे। जी तो दोस्तों ये पेस्ट मेरी रेडी हो गई है अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च की, और इसमें मैं बाकी जो मसाले हैं ये भी सारे इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, और तकरीबन 5 टेबलस्पून इसमें मैंने बेसन डालना है। ठीक है जी, ये 5 टेबलस्पून बेसन डाल दिया है, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। क्योंकि पेस्ट बनाते हुए अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हुए भी पानी डाला था, तो पहले थोड़ा सा मिक्स करके देख लेंगे कि और पानी कितना ज़रूरत है, तो फिर उसके हिसाब से थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ठीक है जी, ये थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। ये जी पेस्ट हमारा तकरीबन रेडी हो गया है, इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि स्मूथ सा पेस्ट बने। ठीक है जी, ये अभी भी रेसिपी के हिसाब से अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि पेस्ट जो है वो थोड़ा रनी रनी सा हो, पकौड़ों की तरह सख्त ना हो।
ठीक है जी, तो मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखें थोड़ा और पतला हो गया है, थोड़ा रनी हो गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको कोट नहीं करना हमने, इसको सिर्फ मैरिनेट करना है हमने। तो ये जी पेस्ट, ये देखें हमारा इस तरह से बिल्कुल बेहतरीन रेडी हो गया है जी। तो अब हम फिश को मैरिनेट कर लेंगे। इस तरह से पतला पतला जो है पेस्ट लगेगा इसके ऊपर, और सारी फिश जो है वो मैरिनेट कर लेंगे। देखें जी बिल्कुल ये मैरिनेट ही हुआ है, कोटिंग नहीं हुई। जैसे फिश के पकोड़े बनते हैं तो वो कोटिंग हो जाती है पूरी बेसन की, तो ये देखें कोटिंग नहीं है, ये बिल्कुल पतला पतला मसाला लगा है। तो ये हमने इसको सिर्फ मैरिनेट करना है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 24 आवर के लिए हमने इसको फ्रिज में रख देना है। वैसे फिश का फार्मूला यही होता है कि जितनी ज़्यादा देर इसको मैरिनेट करके रखें उतना ही टेस्ट ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। ठीक है जी, ये मैरिनेशन हो गई है, अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो फिर इसके हम बाद में, तो कल हम इसको फ्राई करेंगे जी। तो दोस्तों फिश को 24 घंटे हो गए तकरीबन, कल हमने इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कम से कम 1 दिन मैरिनेट करके रखना है, तो अब तकरीबन जो है वो 24 घंटे हो गए हैं। तो अब मैं इसको फ्राई करने लगा हूँ, और ऑयल जो है वो मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल ऑलरेडी तेज़ गर्म है, तो इसमें एहतियात आपने ये करनी है कि पहली दफ़ा जो है वो ऑयल को बिल्कुल अच्छी तरह गर्म करना है, और उसके बाद उसमें फिश डालनी है, क्योंकि फिश बहुत ज़्यादा ठंडी है तो इसने ऑयल का टेम्परेचर को फ़ौरन कम कर देना है। ठीक है जी, ये देखें ऑयल बिल्कुल गर्म है, तो फौरन फ्राई होना शुरू हो जाएगी फिश। और तेज़ गर्म करने का फ़ायदा जो सबसे बड़ा है वो ये है कि जो कुछ दोस्त कहते हैं जी हमारी मैरिनेशन जो है हमारा मसाला उतर जाता है बोटी से, वो नहीं उतरेगा। वो चूंकि हम ठंडे ऑयल में डाल देते हैं इसलिए मसाला उतर जाता है, तो ठंडे ऑयल में नहीं डालनी। ये देखें मैं आपके सामने डाल रहा हूँ फिश तेज़ ऑयल में, तेज़ गर्म ऑयल में, तो देखें बिल्कुल भी मसाला नहीं उतर रहा, बेहतरीन ज़बरदस्त फ्राई हो जाएगी। ठीक है जी, ये देखें बिल्कुल भी मसाला नहीं उतरा। तो एक दफ़ा जब बोटियाँ डाल के थोड़ा सा आप देखें कि फिश ने अपनी शेप ले ली है, तो आँच जो है वो मीडियम टू लो कर देनी है ताकि ये अंदर से भी पक जाए, और बिल्कुल मीडियम टू लो आँच के ऊपर इसको फ्राई करना है ताकि जो है वो फिश अच्छी तरह अंदर से भी पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। ठीक है जी, ये देखें फिश बिल्कुल ब्राउन होना शुरू हो गई है, तो इसने अपनी शेप भी ले ली है, तो इसको बिल्कुल एहतियात के साथ पलटना है। स्पेशली ट्राउट फिश जो है इसका गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बाकी फिश का भी सॉफ्ट होता है, इसका कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है, तो इसलिए बिल्कुल एहतियात से पलटना है ताकि बोटी टूटे ना। ये देखें बिल्कुल बेहतरीन ज़बरदस्त फ्राई हो गई है, और देखें बिल्कुल भी इसका मसाला भी नहीं उतरा। तो ये इस तरह से आपने आहिस्ता से सारी बोटियाँ पलट देनी है। ठीक है जी, ये सारी पलटने के बाद आँच जो है वो हल्की कर देनी है, और हल्की आँच पे ताकि ये अंदर से बिल्कुल पक जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और ये ट्राउट फिश की खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि दिल करता है कि ये फ्राई होती रहे और बंदा सूंघता रहे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त मसाला लगा है, बेहतरीन ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी फ़िश कैसी बनी है इस फार्मूले के तहत। ठीक है जी, ये तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए फ्राई होते हुए, तो एक दफ़ा इसको दबा के देख लेना है कि इसमें पानी तो नहीं है। ये देखें अभी बिल्कुल इसकी आवाज़ जो है वो सेम ही है, चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है पानी इसका ड्राई हो गया है, और फिश हमारी बिल्कुल फ्राई हो गई है, निकालने के लिए रेडी है। ये इस तरह से दबा के देख लेना है, ये देखें इसकी आवाज़ चेंज हो रही है, तो थोड़ा सा इसमें अभी पानी है, इसको हम रहने देंगे। बाकी बोटियाँ हमारी जो है वो पक चुकी हैं, तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे।
जी तो दोस्तों, हमारी क्रिस्पी ट्राउट फिश सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं आपको थोड़ी सी तोड़ के भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल अंदर से बेहतरीन पक गई है, तो ये बिल्कुल भी मसाला नहीं उतरा, बेहतरीन फ्राई हुई है जी। देखें बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, और ये देखें कितने ज़बरदस्त रेशे अलग अलग नज़र आ रहे हैं, बेहतरीन ज़बरदस्त। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। चलते चलते दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।